नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ जो पटवारी भर्ती 2018 से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आप काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि जो इसका नोटिफिकेशन कब आएगा एंड इसकी क्या रीज़न है कि जो अभी तक ये वैकेंसी नहीं आई है। तो दोस्तों, जल्द इसकी जो विज्ञापन आने वाला है, विज्ञप्ति जारी होने वाली है, नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों इसी महीने। पटवारी भर्ती 2018 का आप सभी के लिए खुशखबरी है एंड इसका जो रीज़न है किस कारण ये भर्ती लेट हुई है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अपन चलते हैं विथ प्रूफ एंड ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ जो इस पटवारी भर्ती 2018 से रिलेटेड आई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका क्या रीज़न था कि जो अभी तक जो वैकेंसी सब कार्मिक विभाग ने सबने इसके लिए यस कर दिया है, फिर भी वैकेंसी जारी क्यों नहीं हुई थी। तो इसका एक रीज़न था कि जो पटवारी भर्ती में फंस गया था ये पेज है, जो कंप्यूटर दक्षता की अनिवार्यता का पेज है, ठीक है। तो इसका रीज़न था कि जो RSAIT वाले भी इसके लिए एलिजिबल थे एंड जो BTech के अंदर जिन्होंने CS कंप्यूटर साइंस एंड जो अदर है BCA एंड जो अदर कोर्स है ओ लेवल के, तो उन सभी को जो मान्यता नहीं दे रहा था बोर्ड, इस वजह से इसके ऊपर जो विचार चल रहा था कि इसके अंदर जो BTech वालों एंड जो MTech है जिन्होंने इनको अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए, जिनके पास जो उच्च योग्यताधारी है उनके लिए। तो दोस्तों, अपन डिटेल्स के अंदर पढ़ते हैं क्या इसके अंदर न्यूज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एंड जो पदों की संख्या मैं आप सभी को बता चुका हूँ, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको चेंज कर दिया गया है। पिछली बार 12वीं पास पर हुई थी ये भर्ती एंड इस बार जो इसमें योग्यता रखी गई है ग्रेजुएशन स्नातक, कुछ भी आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए एंड साथ ही में कोई कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए RSAIT, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रदेश में पटवारियों की बड़ी संख्या में रिक्त पदों से जूझ रही राज्य सरकार ने नई भर्ती के भले ही 4 माह पूर्व राजस्व मंडल ने अनुमति दे दी हो, लेकिन भर्ती नियमों में कंप्यूटर की दक्षता अनिवार्य वाले पाठ्यक्रमों की शर्तों के पेंच में खुद मंडल ही उलझ गया है। नतीजन अब प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकी है। दरअसल पटवारी के लिए राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 एवं जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1957 के तहत निर्धारित मापदंडों में RSAIT के प्रमाण पत्रों को मान्यता प्रदान दी गई है, लेकिन जो कंप्यूटर शिक्षा में उच्च डिग्रीधारी है BTech MTech ओ लेवल पाठ्यक्रम का कोई हवाला नहीं है। ऐसे में उच्च डिग्रीधारी आवेदन के लिए पात्र होंगे अथवा नहीं, इसी में जो वो मंडल है फंस गया, इसी वजह से जो विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकला है। बट दोस्तों, जो ये इनको भी अलाउ किया जाएगा क्योंकि जो पिछली बार वैकेंसी आई थी जिसके अंदर भी यही प्रॉब्लम आई थी कि जो BTech वाले हैं, जो MTech वाले हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर कर रखी थी, लेकिन उनके पास जो RSAIT का सर्टिफिकेट नहीं था, तो फिर उन्होंने जो डायरेक्ट हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी, ठीक है, जो न्यायालय में जो कोर्ट के अंदर उन्होंने केस दे दिया था एंड उसके बाद जो RSM SSB एंड जो कर्मचारी चयन बोर्ड एंड जो रेवेन्यू बोर्ड है राजस्व मंडल, उसको जो कोर्ट की शर्त, जो कोर्ट की बात को मानना पड़ा एंड उनको भी नियुक्ति देनी पड़ी, जो डिग्री धारक है जिन्होंने BTech कर रखी थी, MTech कर रखी थी कंप्यूटर साइंस के अंदर एंड जो ओ लेवल वाले हैं उनको भी इस वैकेंसी के अंदर शामिल किया गया था एंड उनको भी ज्वाइनिंग दी गई थी। तो पिछली बार जो कोर्ट का निर्णय था उसी के अकॉर्डिंग ही इस बार भी जो यही रहेगा कि उनको भी अलाउ किया जाएगा BTech वालों को। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन निकल जाएगा जल्दी एंड उसके बाद जो ये वैकेंसी का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा, ठीक है। एंड जो क्योंकि इसी महीने आ जाएगी एंड जो अगले महीना है जो आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो अगले महीना आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है, नवंबर में प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं एंड जो अगले महीने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू करने की संभावना है। ऐसे में यदि पूर्व में तो इसीलिए इस भर्ती को जल्दी से जल्दी इसी महीने के अंदर इसकी जो विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं जो सुरेश कुमार सिंधी है भू अभिलेख राजस्व के हैं, तो इन्होंने कहा कि पटवार भर्ती में RSAIT के अलावा BTech MTech जैसे डिग्रीधारी एवं पटवार संघ की ओर के बाद की मांग के बाद कंप्यूटर दक्षता की योग्यता पर संशोधन का विचार किया जा रहा है, राज्य सरकार से मार्गदर्शन लेकर जल्द इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। तो जो गवर्नमेंट से ये सलाह लेंगे और उसके बाद जो इसका नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी कर देंगे एंड जो पदों की संख्या 2500 के आसपास होने की बताया जा रहा है, ठीक है। और आपने देखा होगा काफ़ी सारे फेक चैनल्स हैं, उन पर 3000 भी बताया जा रहा है, बट दोस्तों 3000 के अंदर रहेंगी, 3000 से ज़्यादा नहीं आएगी वैकेंसी, ठीक है। आप देख सकते हैं 2000 पदों पर होनी है भर्ती, प्रदेश में करीब 2000 नए पटवारों की भर्ती होनी है एंड जो मंडल ने जिलेवार रिक्त पदों का विवरण मांगते हुए कर्मचारी बोर्ड है जो RSM SSB
जो अभ्यर्थना भेजने की तैयारी कर ली है, लेकिन एन वक्त पर कंप्यूटर दक्षता योग्यता का पेंच फंस गया है, इसी वजह से इस भर्ती को लेट लेट हो गई है एंड जो पूर्व में आयु सीमा में संशोधन नहीं हो पाने से भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। एंड जब आयु सीमा में संशोधन करते हुए बढ़ोतरी कर दी गई है तो अब जो कंप्यूटर दक्षता का पेंच फंस गया है तो दोस्तों जो बीटेक वालों को अलाउ किया जाएगा इसका सोल्यूशन भी निकल जाएगा एक दो दिन के अंदर एंड जो ये वैकेंसी भी जल्दी आ जाएगी, इसी महीने आने का इसका चांस है पूरा पूरा, क्योंकि जो अगले महीना आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज़ आई है तो आप देख सकते हैं दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर अजमेर का न्यूज़पेपर, उसके अंदर आई है जो पटवारी भर्ती 2018 से रिलेटेड है। तो दोस्तों एक दो जल्दी इसका जो विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, जो आरएसएम एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को पता है जी, ये वेबसाइट है RSMSSB की, RSMSSB.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट के आपको ऊपर मिल जाएगी ये। ठीक है, तो ये आपको जानकारी देनी थी जो पटवारी भर्ती से रिलेटेड, आप सभी काफ़ी लंबे टाइम से पूछ रहे थे कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, 15 सितंबर की मैंने बोला था, बट इसमें जो एक और ये प्रॉब्लम आ गई थी।